जय माता दी मित्र, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, यह देवी आपसे भयंकर क्रोधित है। आपकी एक छोटी सी गलती ने मित्रों इस देवी को क्रोधित कर दिया है। लेकिन आपकी वह गलती क्या है? सब कुछ तहस नहस हो जाए उससे पहले यह वीडियो देख लो मित्रों, क्योंकि आप भी भली भांति जानते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है और यह समय कैसा रहता है। मित्रों, आपसे आखिर कौन सी गलती हुई है और कौन यह देवी है जो आपसे रुष्ट हो गई है, आपसे नाराज हो गई है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार जय माँ काली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ काली आपके जीवन की रक्षा करेगी। तो मित्रों, आपको अंदाजा भी नहीं है, जब से यह देवी आपसे नाराज हुई है आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दुख आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, दरिद्रता आपके घर में आ चुकी है, ग्रह कलेश, बीमारी, सब कुछ मित्रों आपको जकड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया अंत तक ध्यान से, तो मित्रों हो सकता है कि आप बच जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। मित्रों, इस समय के अंतराल में हम आपको सिर्फ एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आपको अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान करना है। किसी भी महिलाओं को मित्रों आपको कुछ भी उठाकर नहीं बोलना है, चाहे वह घर की बहु ही क्यों ना हो, घर की बेटी ही क्यों ना हो। आपको इस समय के अंतराल में महिलाओं का सम्मान करना है। वहीं इस वक्त ध्यान रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ सकारात्मक रहें। और सकारात्मक रहेंगे तो जीवन में आधी मुश्किलें तो यूं ही हल हो जाएगी। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि आर्थिक जोखिम इस वक्त संभव है, और यह आर्थिक जोखिम किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से ही होगा। पैसा निवेश करते वक्त ध्यान रखें कि जहां पर आप पैसा निवेश कर रहे हैं वहां की पहले अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, और परिवार के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती मित्रों आपके जन्मों जन्म के रिश्ते बिगाड़ देगी, इसलिए आपको झुकना बेटर रहेगा। क्योंकि यदि लंबे समय तक रिश्ते निभाने हैं तो आपको मित्रों रिश्तों में झुकने की सलाह दी जाती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद का मकान खरीदना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, तो मित्रों समय अच्छा चल रहा है, पैसों का बंदोबस्त भी अच्छे से हो जाएगा, और लोन लेने से आपको इस वक्त बचना है मित्रों। क्योंकि लोन की किस्त भरते भरते आपको बहुत तकलीफ होगी। आपके पास जितना पैसा है आप अभी उतने पैसे में ही काम शुरू करिए। मित्रों, किसी से भी उधार ना लें और किसी को भी उधार ना दे, क्योंकि समय बहुत ही जल्दी पलटने वाला है और आपके पक्ष में अच्छा समय आने वाला है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उनको बता देते हैं कि प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे, और यह योग आंख बंद करते ही बनेंगे, यानी कि पलक झपकते ही। इसलिए आपको चारों तरफ नजरें जमा कर रखनी है। आपको जीवन साथी को खुश करने के
हर संभवतः प्रयास करने की सलाह दी जाती है, और घर में अगर फोर व्हीलर खरीदने की जो जातक योजना बना रहे हैं, वे जातक अपने जीवन में खुशियों के नए रास्ते जल्दी ही खोजेंगे। घर में वाहन सुख जल्दी ही आएगा। और मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का समय नजदीक आने वाला है, तो आपको एक सलाह दी जाती है कि अपने फिजूल खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो जीवन में आप सफल रहेंगे। पक्की नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं आपके अड़ियल रवैये से। व्यापारिक लेन देन की चिंता रहेगी और किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद और कलेश हो सकता है, तो इस बात को मित्रों ज्यादा लंबा ना खींचे, दबा दें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसायिक लंबी यात्रा की योजना बनेगी और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। मित्रों, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात करें, मित्रों यह दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आप दोनों के मध्य जो भी तनाव की स्थिति होगी, वह आपसे समझदारी व बातचीत से ठीक होने की संभावना बन रही है, और आप सामान्य व्यवहार रखें, यानी कि बात को ज़्यादा बढ़ाए नहीं। आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे और अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। दूसरे लोगों से आपको मदद मिलती रहेगी। आप हर किसी की बात को सुनने की कोशिश करेंगे। कुछ नए दोस्त की संभावना है और किसी खास क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। मित्रों, काम के प्रति समर्पित होने से अधिकारी वर्ग आपसे इम्प्रेस होंगे और बच्चों का अच्छा व्यवहार देखकर माता पिता खुश होंगे। कुल मिलाकर समय अच्छा ही रहने वाला है। नए संबंधों की स्थापना का समय साबित हो सकता है। आप बहुत दिनों से एक दूसरे को पसंद करते तो होंगे, लेकिन आगे बात बढ़ने की संभावना बन रही थी, तो दोनों के मध्य बौद्धिकतापूर्ण बातचीत होगी जिसका कोई अर्थ होगा। और मित्रों, आप अपने प्रेमिका को आज कहीं बाहर भी घुमाने लेकर जा सकते हैं। वहीं इस वक्त ध्यान रखिएगा कि किसी पुराने बात को लेकर सहयोगियों के साथ बहस हो सकती है। बहस से दूर रहें, अतः सावधानी से काम लेकर विवादों को टालें। निजी जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी की सोच को समझने का प्रयास करें, बात का बतंगड़ ना बनाएं और खान पान पर भी संयम रखें। मित्रों, प्रेम संबंधों के संदर्भ में समय अनुकूल है, लेकिन आप अपनी संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित रह सकते हैं। प्रेमी जीवन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें लेकर आप अटक रहे होंगे, उन्हें निपटाने में अथवा सुलझाने में प्रेमी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इससे आपका मस्तिष्क राहत महसूस करेगा और प्रेमी के लिए आपका विश्वास भी मित्रों बढ़ेगा। साथ ही आप व्यवस्थित अंदाज और एकाग्रता के साथ काम लेंगे, जो ज्यादातर समस्याओं से समाप्त हो जाएगी। मित्रों, किसी उलझी हुई स्थिति में अपनों से बातचीत करने से समाधान जरूर मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे और व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा वालों की आय में वृद्धि होगी। व्यापार अथवा कार्य क्षेत्र में समय लाभप्रद रहेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिल सकती है। मित्रों, आप अपनी बेहतर सोच से हालात को संभालने में सफल रहेंगे। प्रेमी, आप और आपके मित्र सभी मिलकर बहुत सारा समय एक साथ बिता सकते हैं। बातें व गप्पे तो होगी, साथ ही आप लोगों फ्यूचर को लेकर भी प्लानिंग कर सकते हैं। आप दोनों भविष्य की मंजिल को तय करने के लिए भी चीजें निर्धारित करेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, समय को
को भगवान शनि देव का पौधा कहते हैं। यदि आपके घर में शनि का पौधा है तो आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी कोई रोग आपके घर में मित्रों प्रवेश नहीं करेगा। जिसके घर के बाहर मित्रों शनि का पौधा होता है वह घर हमेशा स्वर्ग से समान बनता है। जिसको घर के बाहर ऐसे लगाना चाहिए कि जब भी आप घर से निकले तो ये आपको दाईं ओर से दर्शन दे और उसकी नियमित सरसों के तेल से दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि शनिदेव किसी को भी राजा से रंग या रंग से राजा बना सकते हैं, इसलिए शमी के पौधे की पूजा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी मित्रों मिलता रहता है। वहीं एक छोटा सा उपाय और है, मंदी निकालने का सबसे शक्तिशाली उपाय। यदि व्यापार में मंदी आ गई है या नौकरी में परेशानी आ रही है और नौकरी अंदर व्यापार कुछ नहीं चल रहा है तो मित्रों शनिवार के दिन जरूर करें, किसी भी कांच की शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी का ढक्कन बंद करके उसे किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें और इस संकट से निकलने की प्रार्थना करें। शीघ्र धन आगमन की गति में वृद्धि हो जाएगी और मंदी का असर कम हो जाएगा। तो मित्रों यह दोनों उपाय आप एक बार अवश्य आजमाइएगा। वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।